राम राम। आज के समय में हर घर में कोई ना कोई सदस्य मंगल बद की नेगेटिव ऊर्जा का शिकार है। होता क्या है, जब हमारे बच्चे युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो एकदम से कभी बार लगता है कि हाथ से निकल गए, जिद्दी बन आ जाना, पढ़ाई में दिक्कत आना, और बच्चों ने जब कैरियर के लिहाज से आगे बढ़ना तो वहां पर दिक्कत आना, उनकी हुनर के मुताबिक उनको काम नहीं मिल पाना, या जो काम मिलना उसमें दिल नहीं लगना, और उस काम में हमने कोई ना कोई कमी ढूंढ के उस काम को भी छोड़ देना। ठीक है, शादी का समय आना तो शादी समय पर ना हो पाना, ठीक है ना, तो ये भी मंगल बद आ जाता है। और जिंदगी में एक ऐसा समय आ रहा है आजकल हर किसी की जिंदगी में जो एक खालीपन से भरा है, यानी कि कोई ना कोई इंसान आपके घर में ऐसा होगा जो अकेलेपन का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और मन में परिवार में खुशियों का अभाव हो जाना, और इसके संदर्भ में जीवन का बहुत सा समय ऐसे ही बेकार चले जाना, ठीक है ना। तो इसके संदर्भ में हमारे बुजुर्ग, हमारे नजदीकी धर्म स्थान में ऋषि मुनियों की देखरेख में जो उपाय बताया गया है वह अक्सर किया करते थे। आपने भी अपने घर के नजदीक धर्म स्थान देखे होंगे, वहां पर भी ये उपाय किया जाता होगा, आपकी नजर अवश्य गई होगी। अभी मैं याद कराऊंगा आपको, एकदम से बिजली करों देगा, हाँ ये तो उपाय करते थे, लेकिन हम आज वो उपाय छोड़ चुके हैं। देखिए, मंगल के बारे में ना एक बात कही जाती है, मंगल इसमें दो सब रूप है, ठीक है ना। मंगल को थोड़ी सी भी बुरी चीज की हवा मिली ना तो एक मिनट लगाता है बुरी तरफ झुकने में, सीधी सी बात है, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए किसी का बच्चा है, उसको उसके जो यार दोस्त हैं वो बोलते हैं यार चल पब में चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, घूमने चलते हैं, वहां ये करेंगे वो करेंगे, सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, तो ट्राई करके देख एक बार एक बार। तो आपने जितने भी उसको संस्कार दिए ना, कई बार वो एकदम से ध्वस्त हो जाते हैं और बच्चा सिगरेट पी लेता है। यानी कि मंगल जो कि नेकी का प्रतीक है, आपका बच्चा बहुत नेक बनाया आपने, लेकिन उसको जरा सी चिंगारी मिली उसके मंगल बद ने, यानी कि बुरी आदत क्या है मंगल बद, सिगरेट पी के देख बहुत मजा आता है, एक सिगरेट उसने लेनी है, एक कश भरना है, आपके सारे 16 साल के संस्कार उसके ध्वस्त एक मिनट में सुट्टा मारते ही। उसके बाद तो अगर आपने उसको पकड़ लिया समय पर तो शायद आपके काबू आ जाए, लेकिन पता ही फिर बाद में जाके चलता है कि भैया ये किस बातों का शिकार हो गया। तो मंगल जो होता है ना तो बुराई की तरफ झुकने में एक सेकेंड लगाता है, अच्छाई पर चलने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है, जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, रोज समझौते करने पड़ते हैं अच्छे रास्ते पर चलने के लिए। बुराई पर चलने का क्या, एक मिनट लगता है, जिधर मर्जी घूम जाओ, किसी का मर्डर कर दो, किसी का पैसा छीन लो, कोई नशा कर लो, ठीक है ना, हो गई शुरुआत, खाता खुल गया, फिर वो अपने आप आपको उधर धकेलता चले जाता है। और जब ये आदतें छोड़नी पड़ती हैं तो तप करना पड़ता है, जलना पड़ता है। तो ये है मंगल बद जो बुराई की तरफ एक मिनट में झुक जाता है, और जो मंगल नेक है इसको संभालना पड़ता है, कैसे, चंद्रमा के द्वारा, ठीक है ना। तो हमें उस समय चंद्रमा का या सूर्य का उपाय करना पड़ता है। तो इसी मंगल को नेक करने के लिए सबसे सहायक देवता है हनुमान जी। तो हनुमान जी के दरबार में, मंदिर में हनुमान जी की सेवा के स्वरूप में हम ये उपाय किया करते थे। उपाय तो उपाय था ही, लेकिन इससे हमें हनुमान जी की जो एक शक्ति और एक बल और एक दृढ़ इच्छा शक्ति और जीवन में आगे बढ़ने की जो एक पावर मिलती थी वो अलग। उपाय क्या था, अभी बिजली करोंदेगी आपके दिमाग में। ये देखिए, आपने अक्सर हनुमान जी के मंदिर में ऐसे सिल्वर के वो देखे होंगे चढ़े हुए पत्रे, ठीक है ना, यानी कि हनुमान जी के शरीर से लगे होते हैं। तो ये मैं हिला तो नहीं पाऊंगा, ये उड़ते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, मैं नजदीक से दिखाता हूं, इनको सिल्वर लीव्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैं बहुत कंपनी के लाया हूं, बढ़िया कंपनी के, ब्रांडेड है ये, ठीक है ना। तो कई बार कई लोगों ने ये तर्क दिए कि ये पशु चर्बी के हैं, हो गए, अब ये पशु चर्बी के नहीं है भैया, जिस कंपनी ने बनाए हैं वो जैन लोग हैं, तो ये प्योर सिल्वर के हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बाजार में
मिल जाएंगे। ये देखो बहुत सस्ते हैं, सिर्फ 60 रुपए के आए हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये देखो, ये तो ये सिल्वर से जो ये परत आपको नजर आ रही है ना, इनको सिल्वर लीव्स भी कहते हैं, इनको वो भी कहते हैं चांदी का पतरा और वर्क भी कहते हैं। ये मिठाइयों पे भी लगे होते हैं, मिठाई के ऊपर सिल्वर सा वर्क लगा होता है। तो मैंने कहा आज फिर इस पर ही बात की जाए ना, तो ये देख लो ध्यान से। तो ये हनुमान जी के स्वरूप जो कि मूर्ति में होता है ना, हनुमान जी का स्वरूप, तो उस पे चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। हनुमान जी को इसका लेप कर दिया जाता है पुजारी जी के माध्यम से, या खुद अच्छी तरह से शुद्ध होकर, ठीक है ना, अच्छी तरह से शुद्ध होके भगवान श्री हनुमान जी के शरीर पर ऐसे पतरे, ठीक है ना, ऐसे पतरे सिल्वर के, ठीक है ना, ये आप लगाइए। देखिए मंगल पद कैसे ठीक होता है, जीवन में से कैसे बुरे विचार, बुरी ऊर्जा, ये देखिए हिलता है एक मिनट में, कैसे आपके जीवन से दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो बड़ा जबरदस्त उपाय है मंगल को निक रखने का, बच्चों का जिद्दीपन दूर करने का। करियर का समय आए तो उस लिहाज से वो जो एक खालीपन या हमारी काबिलियत के अनुसार हमें फल नहीं मिल पा रहे उसके संदर्भ में, शादी ना हो पाए तो उसके संदर्भ में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जीवन में जब भी खालीपन आए, मंगल पद के हालात बने, चिड़चिड़ापन आ जाए, क्रोध बहुत आने लग पड़े, दूसरों में कमियां निकालने लग पड़े और एक अहंकार की दुनिया में हम प्रवेश करने लग पड़े, तब ये उपाय करना, आपको मंगल पद के बुरे प्रभावों से निकाल देगा ये उपाय। तो ये उपाय सनातन समय से किया जाता रहा है, हनुमान जी के ऊपर सिल्वर का लीव्स या वर्क चढ़ाना, ठीक है ना। ये चंद्रमा है, चांदी माना जाता है, ये चांदी का शुद्ध है, ठीक है ना। तो जैसे ही हनुमान जी जो कि मंगल है, एनर्जी के कारक है, वो एनर्जी जैसे ही बैड होने लग पड़े तो चांदी की ठंडक उसे उसी समय शांत करके फिर नॉर्मल स्थिति में ले आती है, जिससे आपका मंगल हमेशा नेक रहता है, कभी खराब नहीं होता। तो अब मेरे कई भाई बहन कहेंगे कि ये उपाय कब करना है, किसे करना है। देखिए महिलाएं ये उपाय खुद कभी ना करें, ठीक है, ये पंडित जी के माध्यम से ही उपाय होगा। आप अपने बच्चे को साथ लेकर जा सकती हैं उसके माध्यम से, या घर में जो पुरुष हो उसके माध्यम से ये उपाय कर सकती हैं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो, ठीक है। आप खुद ना हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करें, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी पुरुष अगर ये उपाय करना चाहता है, बच्चा ये उपाय करना चाहता है, तो वहां के जो पुजारी जी होंगे उनकी परमिशन से, आज्ञा से ये उपाय करें। पवित्रता इसमें सर्व उच्च है, मतलब कोई भी गंदे विचार, गंदे ख्याल और दूषित सोच के साथ ये उपाय बिल्कुल ना करें। और ये उपाय जब भी करें, नहा धोकर पूरी मर्यादा का ध्यान रखते हुए पुजारी जी के मार्गदर्शन में ही करें। मंगलवार के दिन सूर्य उदय होने के एक घंटे के भीतर भीतर ये उपाय करना सर्वोत्तम है, करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता।